आज की मांग 334। बहुत बार मैं या तो आप ऐसा एक गलत सोच बना लेते हैं कि हम यदि साधन संपत्ति मिल जाए तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन वो हम चेक नहीं करते कि इस दुनिया में जितने भी साधन संपन्न लोग हैं, जितने भी धनवान लोग हैं, वे क्या हमसे ज़्यादा सुखी है ही? ऐसा कोई नियम तो है नहीं। शायद ज़्यादा सुख संपन्न लोग भी बहुत बार दुखी होते हैं। तो सुख का सही कारण क्या है? किस तरह से हम भीतर से सुखी रह सकते हैं? इसके लिए आज की मांग ध्यान देने योग्य है। सुनिए, सुख का मुख्य कारण साधन और संपत्ति ही नहीं लेकिन संतोष है। क्या सुख का मुख्य कारण है? संतोष, न कि साधन। हम ऐसा मानते हैं कि एक बाइक हो, बुलेट हो, फोर व्हील हो, अपना मकान हो, हम सुखी हो जाएंगे। इतना सब कुछ होने पर भी बहुत लोग सुसाइड करते हैं, ऐसा देखा जाता है कि नहीं? ये सब कुछ पाने के बाद भी बहुत लोग मेंटल अपसेट। क्यों? क्योंकि सुख का वही मुख्य कारण नहीं है। हम ऐसा मानते हैं कि हमारे पास बहुत दौलत हो, धन हो, शौहरत हो, तो हम सुखी हो जाएंगे। प्रायः हमको या तो हमारे अगल बगल में रहने वाले को ऐसा लगता है, इसलिए तो बार बार ऐसा बोला भी करते हैं, आप बहुत कमाते नहीं हैं, हमारे यहाँ इनकम कम है, हमारे यहाँ वो फला फला नहीं है, यदि वो सब कुछ हो जाए तो कितना अच्छा, हम लोग इसीलिए दुखी है। नहीं नहीं, इसीलिए दुखी नहीं हो आप, संतोष की कमी होने की वजह से दुखी हो। सुनो, हमारे अगल बगल में बहुत लोग ऐसे हैं, हमसे भी कम साधन वाले हैं, कम इनकम वाले हैं, फिर भी सुख ज़्यादा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास संतोष पर्याप्त मात्रा में है। देखो, कोई हर मास लाखों करोड़ों कमाते हैं, कोई लोग अपनी आवश्यकता के अनुसार ही कमा पाते हैं, फिर भी हम वो देख सकते हैं कि ज़्यादा कमाने वाले भी असंतुष्ट होने से उद्विग्न होते हैं, होते हैं कि नहीं? टेंशन डिप्रेशन के शिकार बन जाते हैं, और जरूरियात के अनुसार मिल जाने पर संतुष्ट रहने वाले बड़े सुख चैन से सो पाते हैं, जी पाते हैं और बहुत आनंद से रह जाते हैं। अरे भैया, हमारे पास क्या क्या कुछ है या नहीं है, इससे ज़्यादा तो वो महत्व की बात है, हम कितना सुख चैन से जी रहे हैं। बंगला तो बहुत बढ़िया है लेकिन नींद नहीं आ रही, क्या फ़ायदा? खाने पीने की कोई कमी नहीं है लेकिन भीतर से अशांति मिट नहीं रही है, तो क्या फ़ायदा? इसीलिए ज़्यादा कमाना, ज़्यादा पाना, उससे भी ज़्यादा महत्व की बात है संतुष्ट होकर के भगवान जैसे रखे उस पर संपूर्ण संतोष रख कर के जीना चाहिए। और भगवान हमारा कभी बिगाड़ने वाले नहीं है, मेहनत करना हमारा धर्म है, देने का या न देने का कार्य उनका है, उन पर हमको पूर्ण भरोसा रखना चाहिए। उस संतोष पाने से ही हम सदैव सुखी रह सकते हैं। जय स्वामीनारायण।